कोरोना के लगातार बढ़ते प्रभाव को देखते हुए होली, शबे बारात और ईस्टर और साथ में ईद उल फितर आदि त्यौहार अमन और शांति के साथ कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए उत्साह पूर्वक घर में ही मनाने का निर्णय आज पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में शांति समिति की बैठक में लिया गया। बैठक के दौरान कहा गया कि कोरोना की रोकथाम व बचाव के लिए सभी की सहभागिता आवश्यक है और सभी लोग मास्क पहने, सैनिटाइजर का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। आगामी आदेश तक रविवार को जबलपुर में लॉकडाउन रहेगा और शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक यह प्रभावी रहेगा। जहां पर लॉकडाउन होने के कारण होलिका दहन तथा शबे बारात को सांकेतिक रूप से मनाने पर चर्चा हुई और जिले के समस्त सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम या सार्वजनिक रूप से एकत्र होने के लिए पूर्णतया प्रतिबंध और होली या अन्य त्यौहार घर पर ही मनाएं, जहां पर डीजे व जुलूस पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। शादी समारोह में 50 तथा शव यात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे और जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमा घर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, परंतु वहां पर पार्सल ले जा सकते हैं। शासन के निर्देश अनुसार 31 मार्च तक समस्त स्कूल एवं कॉलेज में शिक्षण बंद रहेगा और समस्त प्रकार की परीक्षाएं, जिसमें प्रतियोगिता परीक्षा भी सम्मिलित है, पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित होंगी। जी भाई, सर आज शांति समिति की बैठक हुई है, क्या पॉइंट्स रखे, प्रशासन कितनी सख्ती रखेगा, अभी लॉकडाउन भी है, त्यौहार भी और कोरोना भी। आज जिला जबलपुर की जिला स्तरीय शांति समिति बैठक हुई, जिसमें आगामी हमारे त्यौहार जो होली है, शबे बारात है, ईस्टर है, इस पे सभी धर्म के प्रतिनिधियों से इसकी चर्चा हुई। सभी को कोरोना प्रोटोकॉल अवगत कराया गया, शासन के दिशा निर्देश अवगत कराए गए हैं, 144 का जो ऑर्डर है कलेक्टर का वो उनसे अवगत कराया गया है। इसमें बड़ा क्लियर है कि कोरोना की जो कंडीशन है जबलपुर की, उसको देखते हुए लॉकडाउन पे हमारे जो होलिका दहन और शबे बारात है, वो किस तरह से इनको मनाना बिल्कुल क्लियर है। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम कुछ भी परमिटेड इसमें नहीं है। सांकेतिक रूप से हाँ, जरूर इसमें परमिट किया गया है कि 5 की संख्या में होलिका दहन हो सकता है और 5 की संख्या में अगर कोई इबादत की नमाज भी पढ़ने अलाउड है। साथ ही साथ अगले दिन होली के दौरान डीजे पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम होली में भी प्रतिबंधित है। कोई अगर कोई होली मिलन समारोह जो सार्वजनिक रूप से रहता है, जिसमें काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसा सारे कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं और पुलिस की व्यापक व्यवस्था रहेगी। चेकिंग पॉइंट शहर में 40 रहेंगे, पेट्रोलिंग वाली 80 से 100 के बीच में रहेंगे। कुल मिला के ये मीटिंग आज अच्छी रही और सभी को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जो कैसे त्यौहार मनाने बताया गया। चैनल न्यूज़ के लिए जबलपुर से कपिल दुबे की रिपोर्ट।